ये टीवी के अंदर रेड लाइट की समस्या है। ये रेड लाइट आ रही है लेकिन ऑन नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम है इसमें। इसको खोल के आज देखेंगे क्या समस्या है इसमें। हेलो, नमस्कार। आप सभी का इनपो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पर क्लिक जरूर करें। एक बार इसको सप्लाई दे देता हूँ, क्या कंडीशन है पता लग जाएगा। ये वीडियो कॉन का 21 इंच का सेट है, इसको देखते हैं। यहाँ से धुआं उठ रहा है, ये देखो धुआं निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ शॉर्टिंग है कुछ, देखेंगे खोल के। एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। देख लेते हैं इसमें समस्या कहाँ है। इसकी ये पीएफ, यहाँ पे पीएफ लगी हुई है। ये पीएफ है यहाँ पे। इस सेट को मैंने 2 साल पहले मैंने इसका काम किया था। ये मैंने कनेक्शन मैंने किया था, ये सब ये वापस कनेक्शन। एक बार यहाँ पे ये जल गया, वो पीएफ बाहर निकाल देता हूँ मैं। ये पीएफ की कंडीशन है, पूरा का पूरा जल गया है। ये इसकी जगह ये पीएफ लगा देना। 102 का ये पीएफ है, 102 नंबर है ये। ये आपको नया हो तो नया लगा दे, या किसी किट में से निकाल के भी लगा सकते हो आप। अगर आपको नहीं मिले तो डीटीएस की पुरानी पावर सप्लाई पड़ी होती है, उसके अंदर भी आपको ये मिलेगा। एक बार चेक करने के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ। इसी के कारण ये शॉर्ट ये जल गया था, ये पूरा धुआं फेंक रहा था। इसके मतलब कि ये टीवी ईएसपी ऑन नहीं होने दे रहा था। इसके लिए इसको मेरे पास में लाया है रिपेयर में। इसको सप्लाई दे देता हूँ मैं। सीरीज में काम करता हूँ मैं, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ मैं। सप्लाई दे दी है मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। कोट क्या बात है। ये आ रही है, सप्लाई आ गई है। यहाँ से यहाँ लूप है। एक बार चालू कर देता हूँ इसको। सेट की सप्लाई दे दी मैंने।
ये सप्लाई आ रही है। आगे सेट ऑन हो गया है, आगे आपका सेट ऑन हो गया है। इसकी सप्लाई ये 10 वोल्ट है, ये साउंड विभाग के लिए है, ये 20 वोल्ट साउंड विभाग के लिए है। ये देखो यहाँ से जा रही है, ये देखो 18 वोल्ट की आती है, ये वापस ये 12 वोल्ट की जगह सप्लाई है, ये वर्टिकल की सप्लाई है और ये वीडियो के लिए जा रही है। और साथ में ये इसका सेकेंडरी की सप्लाई निकल रही है, ये ESD के लिए जा रही है। ये PF ख़राब होने की वजह से ये ESD को ऑन नहीं होने दे रहा था, जल रही थी, इसके लिए कस्टमर ने मेरे पास में लेके आया था। सेट इस टाइम में मेरा ऑन है पूरा, आपको दिखा देता हूँ। सेट ऑन हो गया है, ये कास्ट में दिख रहा है आपको, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पर क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। ये PF 102 नंबर का है, मैंने जो अभी डाला है इसको रीसोल्डिंग कर लेते हैं वापस। आराम से ये एस आउट के साथ में ग्राउंड में जुड़ा हुआ है, यही PF है जो ये उड़ गया था, धुआँ फेंक रहा था। इसकी वजह से क्या कि अगर ओरिजिनल साइज अगर थोड़ी बहुत भी कम हो तो इससे एक्स्ट्रा लगा के भी बढ़ा सकते हैं। ये ओरिजिनल के एस आउट के ऊपर ही लगा रहता है, इसी कारण से ESD ऑन नहीं हो रही थी। वीडियो को हमेशा पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी लग पाएगी, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें क्या काम हुआ क्या नहीं, ऐसे ही बोलोगे फिर। इसकी पहले ये IC गई थी, पहले जब आई थी मेरे पास में तब ये IC की प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी IC भी चेंज की थी। और उसके पहले मैंने ये CRT बेस भी चेंज किया था, CRT बेस जल जाता है। CRT बेस का मतलब पूरा मैंने पीछे का CRT बेस का जो किट होता है वो उसको चेंज किया था। आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। TV के अंदर अलग अलग समस्या होती है, कोई किसी प्रकार की समस्या हमारे सामने ये समस्या है फिलहाल। इसकी जो भी लूजिंग दिख रही है वो लूजिंग को हटा देना है आपको, और सेट को पूरा ऑन कर देते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। फिलहाल आप देख रहे हो इनको इलेक्ट्रॉनिक, इस पर एक फिटिंग कर लेते हैं। चालू हो गया, एक बार आपको ये सही तरह फिट कर लेना है, फिर आपको ऑन करके देख लेना है। ये सेट हमारा चालू है,
जिसमें इनपुट वीडियो इनपुट देके आप ऑन कर सकते हो। इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें।